कन्नौज से है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रशासन द्वारा छिबरा माऊ के श्री गेस्ट हाउस में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया शाक्य ने कहा, भाजपा सरकार पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भी लाभान्वित करना चाहती है और उसी को नेतृत्व में मोदी योगी की योजनाएं गरीबों तक पहुंचा रही है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार के साथ जनता खड़ी है, इसलिए सरकार भी गरीब कन्याओं का कन्यादान कर रही है। भाजपा सरकार में जातिवाद के नाम पर लाभ नहीं दिया जाता, बल्कि जरूरतमंद लोगों को देखकर सरकार योजना का लाभ दे रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में हिंदू जोड़ों का रीति रिवाज से विवाह संपन्न कराया गया, वहीं मुस्लिम जोड़ों का मौलवी ने निकाह कराया। इस मौके पर मुस्लिम व्यवस्था भी चाक चौबंद रही, जहां पर आने वाले की पुलिस चेकिंग कर रही थी। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। वही बात करते हुए मुस्लिम जोड़ों ने कहा कि उन्हें इस मौके पर बेहद खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योजना के तहत उनका विवाह संपन्न हो रहा है। जहां बात करते हुए जोड़ों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया, वहीं उन्होंने कहा, इस सरकार से गरीब को काफी फायदा पहुंच रहा है, इसलिए वो दिल से योगी और मोदी को धन्यवाद दे रही है। मांग बदले, लड़का लड़की की मांग में सिंदूर लगाए, फिल्म बनाकर अतिशीघ्र फोटो बनेगी, सही से लगा लो, अगर जलने में दिक्कत हो रही तो सही से चुनाव कर लो सर, सही चिता। एक विशेष निवेदन है मंच की तरफ से किया जा रहा है, विशेष रूप से छिबरा में और सभी सम्मानित लोगों का मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। कहाँ पर आज 84 जोड़ों की शादी यहाँ हो रही है, जिसमें 81 हिंदू समुदाय के और 3 अल्पसंख्यक समुदाय के। दहेज में क्या क्या दिया गया है? दहेज में हम लोगों ने 10,000 रुपये का सामान, जिसमें बिछिया, पायल, उनका और श्रृंगार सामग्री, लड़के के लिए पगड़ी और तमाम चीज़ें दी गई। कुछ लोगों सर नाम भी कट गए, 2 महीने पहले फार्म जमा किए गए थे, जिसमें मुस्लिम एक परिवार आया था जिसका नाम काट दिया गया। सत्यापन अभी नहीं पूरा हो पाया होगा, उनको नहीं अनुमति दी गई आज के साथ ही। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र दोनों जगह से? जी हाँ, ये ग्रामीण में आज हमारे 75 जोड़ों की शादी हुई है और 75 की होनी थी जिसमें 69 हुई है, और नगरीय में 18 की होनी थी जिसमें 15 की हुई है। जो लोग नहीं आए उनका क्या होगा सर? वो फिर अगला मई जून में फिर हम अगली डेट देंगे, जो पात्र होंगे उनकी फिर शादी करेंगे।